पाकिस्तान में आतंकी संगठनों के पनपने की बात तो दुनिया जानती है। यहाँ किस तरह से आतंकी बिना किसी डर के खुले घूमते हैं, इसका नमूना दुनिया देख चुकी है। वहीं अब संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट ने पाकिस्तान के मुंह पर चांटा मारने का काम किया, जो कहता रहा कि उसके यहाँ आतंकी पनाह नहीं लेते। दरअसल संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट में कहा गया है कि पाकिस्तान से संचालित होने वाला आतंकी संगठन तहरीक तालिबान पाकिस्तान ने पिछले साल सिर्फ 3 महीने में 100 से ज्यादा आतंकी हमले किए, साथ ही कई छोटे आतंकवादी समूहों को अफगानिस्तान में फिर से एकजुट किया है। इस कारण युद्धग्रस्त अफगानिस्तान और दक्षिण एशिया के इस क्षेत्र में खतरा बढ़ने की आशंका है। तहरीक तालिबान पाकिस्तान द्वारा जिन छोटे छोटे आतंकवादी समूहों का एकीकरण किया गया है, उन्हें अब दुनिया के सबसे खतरनाक आतंकी संगठन माने जाने वाले अलकायदा द्वारा संचालित किया जा रहा है। एनालिटिकल सपोर्ट एंड सैंक्शन टीम की 27वीं रिपोर्ट में कहा गया है कि टीटीपी ने अफगानिस्तान में छोटे छोटे आतंकी समूहों को फिर से एक करने का काम किया है, जिसका संचालन अलकायदा जैसा खूंखार आतंकी संगठन कर रहा था। संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट में बताया गया है कि जुलाई और अगस्त में 5 समूहों ने टीटीपी के प्रति निष्ठा का प्रण लिया था, जिसमें शेहर यार महसूद समूह, जमात उल एहरार, हिजब उल एहरार, अमजद फरूकी समूह और उस्मान सैफुल्ला समूह शामिल है, जिसे पहले लश्कर ए झांगवी के नाम से जाना जाता था। रिपोर्ट के मुताबिक इससे टीटीपी की ताकत बढ़ी है और नतीजन क्षेत्र में हमले भी बढ़े हैं। इसमें कहा गया है कि एक आकलन के मुताबिक टीटीपी में लड़ाकों की संख्या 2500 से 6000 है। टीटीपी जुलाई और अक्टूबर 2020 के बीच सीमा पार के देशों में 100 से ज्यादा हमलों के लिए जिम्मेदार है। आपको बता दें, पाकिस्तान की सीमा भारत, अफगानिस्तान और ईरान जैसे देशों से लगती है, लेकिन आतंकी संगठनों का निशाना हमेशा ही भारत और अफगानिस्तान रहते हैं। इस मामले को लेकर आपकी राय क्या है, कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं। साथ ही देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें TV9 भारतवर्ष।